फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ मेरे मम्मी के हाथों का मजेदार वाला आम दाल का रेसिपी। ये मेरे घर पे अक्सर गर्मी के मौसम में बनता है और जितना भी बनता है वो कम पड़ता है। तो आप लोग भी ये रेसिपी झटपट अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना था। आम दाल बनाने के लिए हम लोग को लगेगा मसूर दाल, खट्टा आम, जैगरी, मस्टर्ड ऑयल, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 5 फोड़न, हल्दी पाउडर और सॉल्ट। पहले हम लोग दाल को 2 से 3 बार अच्छे से पानी देके धो लेंगे ताकि उसमें जो डस्ट रहता है वो निकल जाए। अब कढ़ाई में लगभग 250-300 ml पानी देके दाल को हम लोग उबलने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें ज़्यादा पानी मत दीजिएगा क्योंकि फिर दाल सीझता नहीं है ठीक से। तो पानी कम होने से फिर से दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होने से ये दाल सीझता नहीं है। अब इसमें 2 तेज पत्ता और जो कटा हुआ हम लोग का कच्चा आम है उसको भी दे देंगे ताकि सब साथ में सीझ जाए। अब हमारा दाल और आम सीज चुका है तो देखिए ऐसे करके अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। अब हम लोग एक कढ़ाई में लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी उबाल लेंगे। आपको जितना दाल में पानी चाहिए आप उतना भी उबाल सकते हैं। पानी हमारा उबल चुका है तो अभी हम लोग दाल में देके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग लगभग 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर देंगे और स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ लगभग 1.5 टेबलस्पून नमक दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक दीजिएगा। अभी हम लोग दाल को लगभग 5 से 10 मिनट उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे 20 ग्राम जैगरी मैंने यूज किया है, आप चाहे तो शुगर भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बंगाली में वेली गुड़ बोलते हैं, तो मैं यहाँ दाल में अभी 20 ग्राम जैगरी दे रही हूँ। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को हीट करेंगे। उसमें 2 तेज पत्ता देंगे, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च देंगे और 1 टीस्पून 5 फोड़न देंगे। 5 फोड़न में हम लोग जीरा, मौरी, काला जीरा, सरसों और मेथी का यूज किए हैं, तो इससे हम लोग का छौंक बनेगा दाल का। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद एकदम 2 से 3 स्पून दाल हम लोग इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी दाल को हम लोग जो बड़ा कंटेनर में हम लोग दाल बनाए हैं उसमें डाल देंगे। आप पूरा दाल को भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन ये इजी होता है। तो आप ऐसे करने के बाद हम लोग दाल को अब लगभग 2 मिनट ढक के पका लेंगे। तो हमारा आम दाल रेडी है चावल के साथ, आप घर पे इंजॉय कीजिए। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।